मायूती ने 286 विधानसभा सीटों पर 289 उम्मीदवार दे दिए हैं, क्योंकि 3 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, लेकिन 2 सीटें खाली छोड़ दी गई हैं। इसके पीछे वजह है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो चुका है। इसके साथ ही मुकाबले की तस्वीर भी साफ हो गई है। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति में बीजेपी 152 सीटों पर, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 82 सीटों पर और अजीत पवार की एनसीपी 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महायुति ने 286 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां उन्होंने कैंडिडेट खड़े नहीं किए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। महायुति ने जिन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, उनमें शिरडी और मालेगांव मध्य विधानसभा क्षेत्र शामिल है। शिवडी में उम्मीदवार न उतारने शिवसेना और बीजेपी के राज ठाकरे की पार्टी मनसे के उम्मीदवार बाला नंदनवाकर को परोक्ष रूप में समर्थन दिया है। गोलेगांव सेंट्रल एक मुस्लिम बहुल सीट है, यहाँ भी महायुति ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया है और एक कैंडिडेट का समर्थन किया है। एक बात और, महायुति ने 286 सीटों पर 289 उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे इसलिए हुआ है क्योंकि 3 सीटों पर बीजेपी और अजीत पवार की पार्टी में फ्रेंडली फाइट हो रही है। ये सीटें महाखुर्द, शिवाजीनगर, अष्टी और मोर्शी है, जहां महायुति से 2 कैंडिडेट मैदान में हैं। मानखुर्द शिवाजीनगर में अजीत पवार की एनसीपी ने नवाब मालिक को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने शिवजी पाटिल को मैदान में उतारा। इस बीच बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वे नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी। मोर्शी में बीजेपी से उमेश यालवार को टिकट दिया गया है, एनसीपी के देवेंद्र भुवेकर को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह आष्टी में बीजेपी के सुरेश दास को तो एनसीपी ने बालासाहेब असबे को उम्मीदवार बनाया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अजीत पवार और शरद पवार ने अपने पार्टियों के 2-2 मौजूदा विधायकों को इस बार मैदान में नहीं उतारा। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 2 विधायकों को छोड़कर लगभग सभी विधायकों को फिर से मैदान में उतारा।